सब तो पहला जिन्ने व्यूज इस टाइम फैन पेज फेसबुक से जुड़े ने सबनों प्यार प्यार सत श्री अकाल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सत्कार ते नाल दी नाल सब लई इको नारा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। दोस्तों इसलिए लाइव आया अज क्योंकि टीवी चैनल्स ते कुछ दिल्ली पुलिस वालों कुछ फोटो जारी कीती गई ने जिन्होंने दिल्ली लाल किले ते हिंसा फैलाई आ, ते उन्हां दे विच एक फोटो मेरी भी है। मैं अपना स्पष्टीकरण देने वास्ते लाइव आया कि जिस दिन लाल किले ते यह हिंसा हुई है 26 जनवरी नूं असी सारे किसानां दे अंदोलन दे विच अपने किसान भैण भरावां दे नाल सारी खड़े होए आ, लेकिन लाल किले ते मैं नहीं गया ते ना मेरे नाल दे दोस्त मित्र गए ने। किसानां दे नाल पहले दिन खड़े ते एंड तक जब तक ये काले कानून वापस नहीं लै जाते रद्द नहीं हो जाते असी किसानां दे नाल इदां डटे खड़े रहांगे। ते दूजे पासे असी अपने मुल्क दा कदे भी ना बुरा चाहवांगे ते ना साडे मुल्क वास्ते कदे कुछ बुरा बोलांगे। जिहड़े काले कानूनां करके किसान सड़कां ते बैठे ने उन्हां दे नाल उन्हां दे समर्थन दे विच असी भी सारे अपने हक लड़न लई, क्योंकि रोटी दा सवाल है, इत्थे जमीनां दा सवाल है। साडी 11 दे आसपास असी उत्थे पहुंचे हां। अंदोलन च पहुंचण तों बाद असी करनाल बाईपास तक मैनूं लगदा सानूं 2-2.5 घंटे लग गए होने ने करनाल बाईपास तक। मेरी वीडियो भी उस दिन दी अपलोड अपने इंस्टाग्राम ते अपने फैन पेज ते फेसबुक ते हर जगह ते बहुत सारे चैनल्स ने उस दिन लाइव भी किया। सो मैं अपने सारे दोस्तों नूं ये दस दवां कि असी अपने हकां की लड़ाई लड़न लई दिल्ली बैठे हाँ, ना कि उत्थे कोई हिंसा फैलाउण लई। जिथे करनाल बाईपास ते जिहड़ा सानू रूट दिता गया सी उस रूट ते करनाल बाईपास दी उस मोड़ दे उपर घट्टो घट 400-500 पुलिस वाला उस जगह ते तैनात सी। फायर ब्रिगेड दीआं गड्डियां, अपने वाटर कैनन दीआं गड्डियां उत्थे सारा कुछ उत्थे लग्या सीगा। सानू उत्थों कहा जा रहा तुसीं इधर नूं निकल जाओ, इधर नूं निकल जाओ। ट्रैक्टरां वाले कह रहे ने कि इधर जाना, इधर जाना। असीं सारयां नूं कह रहे कि जिहड़ा रूट है वह सानू इत्थों यू टर्न दस्या होया। कहिंदे नहीं जी, यू टर्न तुहाडा अग्गियों बनना। किसी पुलिस वाले वीर ने उत्थों सानू कहा कि अग्गियों तुहानूं यू टर्न मिलना। उस तों बाद मैनूं एक किसी वीर ने आके कहा कि जिहड़ा किसानां दा रूट आ इधर ही आओ, असीं उस जगह पर ट्रैक्टर खड़े कर ले। पर उस तों बाद फिर 2-4 बंदे आए जिन्होंने कहा कि तुहाडे तों थोड़ी देर पहलां कंवर गरेवाल होनी जां होर साडे जिहड़े किसान जिहड़े यू टर्न तुहानूं मिलना। असीं भी वह रिंग रोड ते लैफ्ट मुड़िया, जबकि रिंग रोड तो घट्टो घट 14-15 किलोमीटर ते लाल किला, लेकिन असी 1-1.5 किलोमीटर जां 2 किलोमीटर दे दायरे दे विच विच क्योंकि गड्डियां स्लो सी, प्रॉपर जगह नहीं तुहानूं मैं दस सकदा किन्ने किलोमीटर का जिहड़ा अगे पुल आया। मुड़ के अगे पुल आउंदा ना, मैनूं नहीं पता किन्नी दूर आ, पर आइडिया मेरा कि 1-2 किलोमीटर दे विच विच ओह पुल होना। रास्ते विच लोग जिहड़े फुल्लां दी बरखा कर रहे सी जां लोग जिहड़े ओह लंगर छका रहे सी, पानी दे रहे, असीं ओह लोगां नूं फोटो कराउंदे इंटरव्यूज करके जब तक साडे किसी फोन ते फोन आया कि कुछ टाइम पहला लाल किले ते झंडा फहराता ते उत्थे बहुत सारा जिहड़ा झड़प हो रही है पुलिस दे नाल, हिंसा हो रही है उत्थे। सो गलत हो गया काम। मेरे नाल जिन्ने भी साथी असी सारयां ने उसे टाइम उत्थों प्लान किया कि आपां सब तो पहला इत्थों यू टर्न जिथों भी मिलता यू टर्न लैके अपने किसान जथेबंदियों को पहुंचीए ता कि साढ़े ते कोई भी इदां दा एलीगेशन ना लग सके कि असी उस हिंसा दे जां जिहड़ी उत्थे कोई भी गलत चीज़ा हो रही असी उहदे हिस्सेदार हाँ। असी उत्थों यू टर्न लिया क्योंकि सानू पता सी इन्ने ट्रैक्टर रोडां भरियां होणियां ने, असी नाल मोटरसाइकिल भी लैके गए सी कुछ हरियाणा वाले भरावां दे जिहड़े सानू उस अंदोलन च मिले। उन्होंने मोटरसाइकलों पर बैठे मैं वो भी वीडियो उस दिन के जिहड़ियां लाइव भी पाई होणगियां ते बाद विच भी पाई होणगियां कि मोटरसाइकिल ते असी वापस आ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि लो जी असी इत्थों वापस आउंदे पए हां। वापस आके असी उस अंदोलन के कोले पहुंचे हाँ, उत्थे 10 मिनट रुक के उस तों बाद दिल्ली पुलिस कोले हर तरीके की सहूलत है, वह मेरिया लोकेशन कढ़वा सकते हैं, उन्होंने हर चीज़ का पता लग सकता। जे मेरी कोई भी लोकेशन लाल किले के आस पास भी आती है तो मैनू कितने भी बुला के कोई भी गल करना चाहते मैं उस लिए राजी हाँ, मैनू कोई टेंशन नहीं, तैयार हाँ मैं उस चीज़ लई कि मैनू पुछ के जो मर्जी करने लई बुलाया जा सकता। पर
मैं लाल किले के आस पास भी नहीं सी, मेरी लोकेशन भी उत्थे नहीं होगी, तो ना मैं उत्थे किते होऊंगा। जेडे किसी भरा ने आ फोटो चक के मेरी एक वायरल की है कि मैं उस दिन उत्थे सीगा, वो फोटो में ध्यान ना देखे, वो फोटो बहुत क्लोज की हुई, उसके पिछे तुहानू कुछ भी दिखता नहीं, वो तो किसी भी वो चलते अंदोलन के जो ट्रैक्टर मार्च हो रही थी कितने भी वो फोटो खिंच के उन्हें इदा पाया जा सकता। सो मेरी दिल्ली पुलिस को यही गुजारिश है कि तुम मेरी लोकेशन जरूर कढ़वायो, एंड लाल किले दी सारिया वीडियो तुम देख चुके होवोंगे, मेरी उत्थे किते भी कोई फोटो या वीडियो नहीं तुहानू मिलेगी, ना मेरे लाइव दे विच, ना किते होर, ना किसी होर दे वीडियो च, ना किसी चैनल ते। सो ये जिहड़ा मेरे ते एलीगेशन ला गया इहनू हटाया जाए, एंड किसानां दे हक विच असीं पहला भी खड़े सी, अज भी खड़े हाँ, उस तरह एंड तक खड़े रहांगे। एंड जिन्ने भी जिहड़े लोग इदां दीआं अफवाहां फैलाउंदे ने जां जान बुझ के लोगों के नाम उत्थे लाने ने कि लाल किले ते सी, प्लीज़ वो इह जिहा अफवाह ना फैलाओ, क्योंकि किसानों का मसला है, साड़ी रोटी का मसला है, आप इत्थे कुछ गलत ना करिए, अपने हकों की लड़ाई लड़दे हैं शांतिपूर्वक, उत्थे बैठे आप 3 महीने वो चले किन्ने शांतिपूर्वक तरीके ना साडा अंदोलन चलता, सिर्फ 26 तरीक की छोटी जी एक साड़ी जिहड़ी कुछ बंदे ने उत्थे जाके गलती की, जिन्होंने भी की उहदे करके किन्ने लोगों अज हरासमेंट हुंदी है। पर मैं ये सच्ची दिल्ली पुलिस को भी ये बेनती करदा कि जिहड़े बंदे उत्थे नहीं गए जां जिन्हां दा उस हिंसा नाल कोई लैण देण नहीं, उन्हां नूं बेवजह तंग ना किया जाए, उन्हां ते बेवजह इदां दे एलीगेशन ना लाए जाण। कई बार ये भी लगता है कि इस अंदोलन नूं हल्का करने लई जां इस अंदोलन नूं तोड़न लई जां इस अंदोलन तो लोगों नूं तोड़न लई इदां ड्रॉन दीआं जिहड़ीआं ड्रॉन लई भी इदां दीआं वीडियो जां फोटोज़ पाइया जांदीआं ने जां इदां दीआं गल्लां फैलाइया जांदीआं। पर जे दिल्ली पुलिस को इदा की कोई खबर पहुंची है प्लीज़ वो इनवैसटीगेशन प्रॉपरली कर, मेरी जिते भी जरूरत पैंती है, जिते मैं तुम लगता कि मैं बुला के मेरे तो कोई पूछ गिछ करनी है, जिते कहोगे मैं उत्थे हाजिर हो जाऊँगा जो भी तुम बुलाओगे। सो किसान जथेबंदियां ऐसे तरह जिदा हूँ तक आप अपने संघर्ष को जारी रखा इदा जारी रखिए, क्योंकि साड़ी रोटी का मसला है, ये किसान के हक सानू मिलने चाहिए ने, किसानों ने कोई नजायज मंगा नहीं मंगिया, जेडे कानून किसानों तो बिना पुछे उन्होंने लागू किए गए हैं, प्लीज़ इन्हों सरकार अगर बेनती है इन्हों रद्द किया जाए ता कि किसान उत्थे इन्नी ठंड दे विच किवें बैठे ने, अपन दिखता ही है कि उत्थे तरह तरह के लंगर चलते हैं, तरह तरह के पकवान चलते हैं, पर इन्ना इन्नी देर तक उत्थे बहना दोस्तों सौखी गल नहीं, ये सरकार नू भी पता सानू भी सारयां नू पता है। जिवें आपां कहिंदे आ कि जिहड़े बंदे नूं तकलीफ हुंदी है ना डॉक्टर कोल जाके तकलीफ तां प्रॉपरली उही दस सकदा है, जिहड़े बंदियां दीआं जमीनां उहनां दे हत्थों जा रहियां ने, जिन्हां सिर ते कर्जे ने, जिन्हां दे घरे रोटी नहीं पकदी, जिहड़े किसान पूरी दुनिया नूं रोटी दिंदे आ ते अपने घर रोटी नहीं पकदी, उहनां नूं पुछो सी उहनां दे दिल ते इस टाइम की बीतदी पई है, ते 3 महीनिआं तों दिल्ली बैठे ने, उदू पहलां 3 महीने पंजाब दे विच जगह जगह ते जिहड़े ये धरने लाए ने, 6 महीने हो गए दोस्तों, पर यह 6 महीने की लड़ाई नहीं है, तो बड़ी पुरानी चलती आती है, किन्ने टाइम तो साढ़े किसान सुसाइड करते पे ने, बेमौते मर रहे हैं, सरकार अगे बेनती करते हैं साढ़े कर्जे माफ़ कर दौ, साढ़े लिए सहूलत बढ़ा दौ, पर सहूलत बढ़ाने की बजाय जेडे साढ़े को जमीन ने सातों वह भी साढ़े हथों खुसदियाँ लगदिया ने, क्योंकि जिमें चल रहा ना जेडे ये कानून ने इदू पहल अमेरिका भी लागू किए गए हैं, असाम दे विच भी किए गए ने, बिहार विच भी किए गए ने, कित्थे कित्थे किए ने, हर जगह दे जिथे जिथे भी होए ने उत्थे किसान दा नुकसान ही होया, किसान दीआं जिहड़ियां आपदीआं जमीनां उह वी उहदे हत्थों चलियां गईआं, किसानां ने अपने खेतां विच जिथे उहनां दी मलकीयत सी उत्थे नौकरियां कीतीआं। सो सरकार नूं इही बेनती है कि किसानां दे जिहड़े इह हक ने किसानां नूं दे दिओ, इह काले कानून रद्द कर दिओ, ताकि किसान सुखी संधी अपने घर नूं वापस आ जाण, अपने बच्चों को अपने परिवारों को अपने खेतों के। मैं क्लीयर हाँ मैं क्लीयर कर चुका जी कि लाल किले 1% भी मेरी उत्थे कोई भी ना मैं ना मेरा कोई दोस्त मित्र उत्थे असीं नहीं पहुंचे। लाल किले ते जिहड़ी हिंसा हुई उहदे वास्ते दिल्ली पुलिस ने कुछ फोटो जारी कीतियां ने, जिन्हां च एक फोटो मेरी भी है। ये कहा जाता है कि जिहड़े जिन्हां ने दिल्ली च जाके हिंसा फैलाई वो ये लोग ने, पर मैं अपना स्पष्टीकरण देने लई अज लाइव आया
कुछ न्यूज़ चैनल पर भी जिहड़ा न्यूज़ 18 पर भी लाइव होया, पीटीसी पर भी लाइव होना, सब जगह जिथे जिथे मैनू लाइव हुण मैं सब जगह बोलूँगा, क्योंकि पहली गल तो किसानों के हक की गल है, नंबर दो रोटी की गल है, नंबर तीन झूठे एलीगेशन की गल है, बेवजह जिहड़े एलीगेशन लाए जाते हैं उन्हें तकलीफ हुंदी है। जदों उस हिंसा दे विच जिथे लोगों दीआं भावनावां नूं भड़काया गया, जिथे होर बहुत सारिया जिहड़ियां चीज़ां नहीं होनियां चाहीदियां सी ओह होईआं, हुण ये स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है कि मैं उत्थे 1% भी हाज़र नहीं सी। मैं 11 to 11:30 के बिच इस अंदोलन च शामिल होया, सिंघू बॉर्डर के आस पास तो असी उस तो बाद ट्रैक्टरां ते बैठ के 2.5 घंटे दे विच असी करनाल बाईपास तक पहुंचे, क्योंकि लाइन बहुत लंबी सी ते बहुत स्लो स्लो चलते पे सी। कुछ बिच में सफ़र मैं मोटरसाइकिल ते कीता, वो मैं लाइव पाई हां वीडियो अपनी, कुछ ट्रैक्टर ते बैठ के कीता। जिहड़ा करनाल बाईपास है उत्थे ट्रैक्टर दे उपर बैठ के अगे तक मैं पहुंचा, जिथे तक जिथों यू टर्न लिया सी करनाल बाईपास तो जिथे यू टर्न लेना सी राइट मुड़ के पिछे नू वापस सिंघू बॉर्डर वाल नू, उत्थे 400-500-300 पता नहीं काफ़ी तादाद दे विच 300-400-500 दे आसपास मतलब काफ़ी तादाद दे विच पुलिस खड़ी सी। उदों गिणती तो उत्थे कौन करदा, क्योंकि उत्थे लोग भी अणगिणत सी पुलिस भी अणगिणत सीगी, पानी दीआं गड्डियां लगियां होईआं सी उत्थे जिधर नू असी यू टर्न लेना सी। उत्थे भीड़ इन्नी सी कि उत्थे रस्ता ही है नहीं सी, सानू उत्थे कहा गया कि तुसीं इत्थों लैफ्ट नू मुड़ना इधर रस्ता, असी पुछया कि इत्थे यू टर्न कित्थे है, तो उन्होंने कहा अगे जाके तुहानू यू टर्न मिलेगा जे तुसीं पिछे मुड़ना, अगे जाना तो अगे नू सीधे तुसीं निकल जाओ पुल दे उपर छड़ जाओ। लेकिन असी अगे जाके फिर उत्थे कुछ लोग मिले जिहड़े किसानां दे वेलकम लई उत्थे फुल्लां दी वरखा करदे सी जां पाणी जां उत्थे लंगर दी कुछ सौदावां लैके खड़े सीगे, असी उन्हां नू मिले उत्थे, उन्हां नाल मिल के फोटोआं कीतीआं ते उत्थे कुछ चैनल खड़े जिन्हां नाल असी उत्थे लाइव इंटरव्यूज कीतीआं, वह भी चैनल्स से पईआं होणगीआं। वो करन तो बाद जब तक साढ़े किसी दोस्त के फोन पर फोन आया कि लाल किले ते झंडा फहराता तो उत्थे काफ़ी तोड़ भन्न हुई है, काफ़ी शोर शराबा होया, मतलब काफ़ी कुछ होया उत्थे, जो भी उत्थे सानू जिन्ना सुनन नू मिलिआ सी नाल दी नाल ही जिन्ने मित्र सी आपां अपनी किसान जथेबंदियों को वापस की कोई घटना ना हो जिदे असी कि गलत साबित होइए, क्योंकि असी सिर्फ रोड मार्च ट्रैक्टर मार्च ही कर रहे हैं अपने किसानों के हक लई, ना कि असी किसानों को कोई नुकसान पहुँचा, साडे इस अंदोलन में कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए असी नाल दी नाल ही जिहड़ा भी वो करनाल बाईपास तो 1-1.5 किलोमीटर जां 2 किलोमीटर के एरिए एक पुल आता जितों यू टर्न लैके असी वापस आए। वापस आते भी मैं कुछ वीडियो जिहड़ियां उत्थे शेयर कीतियां, कुछ स्टोरीज पाईआं, उस तो बाद असी वापस किसान जथेबंदियों को उत्थे सिंघू बॉर्डर ते आ गए। उस तो बाद उत्थे 10-15 मिनट रुकण तो बाद मेरी नैक्सट लोकेशन जिहड़ी सीगी वह हैगी नहीं अपने राजस्थान बीकानेर दी, क्योंकि बीकानेर कोई काम सी सानू कोई शूट का कोई काम सीगा, वो थोड़ा जा कम करने वाला सी उहदे लई असी बीकानेर गए, तो 2 दिन बाद बीकानेर तो फिर वापसी पंजाब वल नू आ गए। सो मेरी दिल्ली पुलिस नू यही गुजारिश है कि सब तो पहला मेरिया लोकेशन जरूर कढ़ाई जाण ताकि जिहड़ी मेरे ते एक जिहड़ा एलीगेशन लग्या इहनू हटाया जा सके। मैं अपने वल्लों अपना स्पष्टीकरण देता, प्लीज़ दिल्ली पुलिस नू मेरी यही गुजारिश है कि दोबारा ये जिहड़ियां फोटो जारी कीतियां ने उहनां दे विच मेरा नाम कट के दोबारा जिहड़ी न्यूज़ है वह दी जाए कि इंद्रजीत निकू उस दिन लाल किले ते नहीं हाजिर सी, ए रिंग रोड तो पिछों ही करनाल बाईपास तो यू टर्न लेके वापस चला गया। मेरिया लोकेशन कढ़ाई जाण ते मेरिया सारिया वीडियो देखिया जाण, यही मेरी गुजारिश है दिल्ली सरकार नू ते किसान जब तक भी ये जिहड़े दिल्ली मोर्चे लगे ने जब तक साडे इन्हां नू हक नहीं मिलदे असीं उन्हां दे समर्थन लई उन्हां दे हक लई इदां उन्हां दे नाल खड़े रहांगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं लै जांदे। असीं दिल्ली बार बार जावांगे, वो साडा हक है संविधान दे विच, सानू हक है कि असी अपने मुल्क दे विच अपने हकां लई लड़ सकदे हां। सो असी उही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, किते भी तुहानू मेरी कोई इदां दी गल नहीं दिखूगी जिहदे विच मैं कुछ गलत कीता होवे। गाने गाए ने, गाणा जदों आपां कोई गल करदे हां थोड़ा बहुत गुस्से च भी कुछ ना कुछ बोलिया होना गाणिआं च, ते उदां दी कोई गल भी माड़ी मोटी कही होनी है जिहदे विच, लेकिन सिर्फ इस गुस्से च कि सरकार नूं पिछले 3 महीने पहला पंजाब दे विच, उतों बाद हुण 3 महीने हो चले दिल्ली दे विच, सरकार साडी गल सुणदी क्यों नहीं पई, किसानां दी गल सुणदी क्यों नहीं पई। किसान अपने सिर्फ हक ही मंगदे ने, सिर्फ यही कहिंदे ने कि सानू खुशी खुशी साडे घरां नूं वापस
ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੱਚੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।